नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वेलफेयर असेसमेंट डिस्ट्रिक्ट हुआ। देखिए, आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में मैं मेरे सभी एक्सर्विसमैन, हम अपने दिल की गहराइयों से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका नाम से ही आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी में किसी भी लीडर के साथ नेताजी नहीं लगा हुआ है, ये एक सोचने वाली बात है। 48 साल की बिल्कुल छोटी सी उम्र में उन्होंने वो काम किया जो कोई हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकता था। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की और आज़ाद हिंदुस्तान की भी स्थापना की, और एक कंट्री ने नहीं बल्कि 9 देशों ने, जिसमें इटली, जर्मन, जापान, चाइना सबसे बड़ी कंट्रियाँ थी, जो उन्होंने उनको मान्यता भी दी थी। उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के नाम पे अपना रेडियो स्टेशन भी बनाया हुआ था। तो इतनी कम उम्र में उन्होंने जितने काम किए हैं, अगर उनकी हम सराहना करना शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ शब्द ही नहीं पूरे हो सकते। कहते हैं ना कि आज़ादी हमें मिली, लेकिन आज़ादी के जो सही नेता थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। आज आप देखिए, 75 साल के बाद भी आज़ादी में अगर 10 आदमी को भी इकट्ठा करना होना तो एक आदमी को पसीना आ जाता है, कर ही नहीं सकता। उनके बड़े लिमिटेड सोर्सेज होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सिविल सर्विस का भी त्याग कर दिया। उस टाइम के वो टॉपर थे IAS, लेकिन वो सर्विस करते हुए भी उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इसीलिए उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों के लिहाज से 45,000 से भी ऊपर की जो है INA जो है इंडियन नेशनल आर्मी जो उन्होंने तैयार की थी, और उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दिलाता हूँ, और उस नारे को उन्होंने पूरा करके दिखाया। और जितने भी हमारे वो 45,000 या जितने भी सैनिक थे उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं, और तब हम आज इस भारतवर्ष में, आज़ाद भारतवर्ष में हम जी रहे हैं। आज हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की एनिवर्सरी है, और हम सभी एक्सर्समैन, वीर नारी, हीरोज जो हैं वो सारे एकत्रित होकर हमने यही आपस में सोचा है कि इनको आज फूलों की श्रद्धांजलि दी जाए। और मैं सभी एक्सर्समैन, चाहे वीर नारी जो घर में हैं, जहाँ कहीं बाहर भी हैं, और ख़ास करके कठुआ देशवासियों को, अपनी जम्मू कश्मीर की स्टेट में सभी निवासियों को, खास करके जो हमारे जो एक्सर्समैन हैं या सर्विंग पर्सन हैं, चाहे हमारे भारतवर्ष के एक्सर्समैन और बाकी जितने भी लोग जो अपने अपने अहदे पर हैं, मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान में
कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा किया, किस तरीके से उन्होंने इंडिया को जो आज़ाद करने के लिए किस तरीके से अपने सारे जितने भी एक्सर्समैन वगैरह थे या प्रिजनर थे सबको इकट्ठा करके यही संदेश दिया कि सभी आदमी इकट्ठे होकर अपने भारतवर्ष को आज़ाद कराना हमने, और ऐसे तरीके से वो चले हैं। आजकल के जो जैसे हमने रशिया में और यूक्रेन की जंग चली है, उन्होंने इतना टाइम नहीं लगाया था, उन्होंने सभी आदमी को यही बोला कि आप मेरे साथ आओ। चेयरमैन एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन कुछ हुआ, देखिए आज हमने सभी एक्सर्समैन उस आत्मा के लिए जिसने इस देश के लिए अपना संपूर्ण बलिदान दिया, वो कौन थे? नेताजी, जिनके साथ मेरे माननीय प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि नेता शब्द का जो उच्चारण होता है, जो लगता है पहले, अगर संधि शेयर करें तो नेताजी के सच्चा कि मेरी भारत माँ के अंचल को कोई हाथ ना लगा पाए, मेरा देश सुरक्षित हो, मेरी भारत माता सुरक्षित हो। उसके लिए उन्होंने एक आईएएस अफसर होने के नाते, और वो प्रथम थे इस भारतवर्ष में उस पर, और होते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए एकमात्र कि उस वक्त हिंदुस्तान की जो आज़ादी थी 30 करोड़ से भी कम थी, 35-30 के बीच थी, लेकिन वो व्यक्ति जिसकी आत्मा जो अटल सोच, देश के प्रति संपूर्ण प्यार होते हुए लोगों को जगाया, लोग सोए हुए भी थे लेकिन जगाने के बाद जो एक धरना धारा के मैंने तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मेरी भारत माँ स्वतंत्र नहीं होगी, और आखिरकार हम तो कहते हैं क्या मात्र इस थी 48 साल की उम्र में, 1897 से लेकर 1945 तक वो रहे, यानी 48 साल की एज में, लेकिन हम लोग कहते हैं कि बहुत उम्र नहीं, मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे बहादुर हुए हैं इस भारतवर्ष में। स्वामी विवेकानंद जी थे, वो 39 वर्ष में चले गए। हम उस दिगंबर आत्मा के लिए जिन्होंने देश के लिए इस प्रकार का अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए आज उनको हर साल की तरह हम श्रद्धांजलि समारोह जहाँ आयोजित करते हैं एक्सर्समैन के दफ्तर में वो किया है, और हम उस ईश्वर से, उस भगवान कृष्ण से कहते हैं सेवा दुर्गति विनाश धर्म होता है व्यक्ति के लिए देश सेवा। जो आदमी देश सेवा कर जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है।